ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दोस्तों ब्रेक से पहले हमने छह राशियों की बात की थी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला राशि और धनु राशि के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप अपने लिए कोई लक्ष्य जरूर निर्धारित कर लीजिएगा और एक नई शुरुआत करने का प्रयास कीजिए। मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग भगवान गणेश जी को अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके सामने गलतियों को सुधारने का अच्छा मौका आ सकता है। इंसान है, गलतियां होती हैं, लेकिन हमको सुधारना भी चाहिए और किसी भी बात के सभी पहलू देख लेने के बाद ही कोई डिसीजन कीजिएगा। डोंट रिएक्ट फास्ट। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को दाना अवश्य खिलाएगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको अचानक कोई अच्छी खबर मिल सकती है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में आके, अति आत्मविश्वास में आकर आज आप कोई गलती भी कर सकते हैं, तो सावधान रहिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भी कार्य में झूठ नहीं बोलने के संकल्प के साथ दिन की शुरुआत कीजिएगा। आपका दिन जो है वो अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, अंतिम राशि की तरफ बढ़ने से पहले हमारे साथ एक दर्शक जुड़ी हैं, आशा जी हैं नागौर से, जो कि अपने भाई आशीष के लिए जानना चाहती हैं। आशीष की जन्म की तारीख है 21/9/1989 और इनके जन्म का समय है रात का 12:15 का। आशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से? पंडित जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। मैं अपने भाई के गवर्नमेंट जॉब के लिए और शादी के लिए पूछना चाहती हूँ, कब तक योग बनेगा जी? इसका जो जन्म है वो 20 की रात का है। हाँ, 20 की रात 12:15। ओके, ठीक है। देखिए आशा जी, आपके भाई की जन्म कुंडली के अंदर राहु की मादशा चल रही है। इसको 19 साल, ये ख़त्म होगी सन 2019 में, 14 अप्रैल सन 2019 के अंदर। निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि इस बच्चे के जीवन में सरकारी नौकरी का पूर्ण योग है। सूर्य बुध आदित्य योग है, शुक्र स्वग्रही है, लेकिन इसके भाग्य स्थान में, लक हाउस में जो है, वहाँ पे राहु बैठ गया। राहु जो है वो सर्प का मुँह है, सांप कभी सीधा नहीं चलता, टेढ़ा चलता है। तो मेहनत के साथ साथ में भाग्य की परसेंटेज बहुत ज़रूरी है। अगर 99% मेहनत है तो 1% भाग्य भी होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस बच्चे का जो लक फैक्टर है वो फ्लक्चुएट करता है। तो यदि आप चाहते हैं कि मेहनत के मुकाबले इस बच्चे का भाग्य भी पूर्ण रूप से साथ दे, तो सबसे पहला काम तो यह है कि इसको एक गोमेद रत्न धारण करवा दीजिए, 5.25 या 7.25 रत्ती का, चांदी में, मध्यमा उंगली में। रविवार के दिन भैरव जी के मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी, दही और इमरती चढ़ाएं। साल भर के अंदर इसके आने वाला जो समय है उसके अंदर इसके नौकरी के पूर्ण योग बनते हैं। पंडित जी, अभी के लिए भरतपुर से भी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, अर्चना जी हैं, जो कि अपने पिता के बारे में जानना चाहती हैं। उनके पिता की जन्म की तारीख है 20/7/1964 और पंडित जी ने अपने पिता का जन्म का समय नहीं पता है। अर्चना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। अर्चना जी, अपने टीवी की वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए। हेलो गुरुजी, नमस्ते। शुभ आशीर्वाद बेटा। हाँ बेटा। सर, मैं अपने पापा के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनसे पहले बहुत कर्ज था, हमने अपना प्लॉट भी बेचा है, हमारा कर्ज भी नहीं उतरा है और अब पापा नया बिजनेस करने की सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं बेटा? नया बिजनेस करने की सोच रहे हैं। अच्छा, देखो अर्चना, आपके पापा की जन्म तारीख जब हम डालते हैं तो एक तो इनकी जन्म से जो राशि आती है वो वृश्चिक राशि आती है और वृश्चिक राशि के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। शनि की 7.5 जो है वो कहीं ना कहीं एक गलत निर्णय भी करवाती है, रुकावटें भी पैदा करती है। तो एक तो जो भी निर्णय लें फ्यूचर के बारे में वो थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा, कोई भी निर्णय जल्दबाजी में मत कीजिएगा। चूँकि चंद्रमा नीच का है इसलिए इनको तुरंत प्रभाव से एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर धारण करवा दीजिए। सूर्यास्त के बाद में दूध, दही, चावल जैसी सफ़ेद चीज़ों का सेवन बंद करवा दीजिए और अपनी मम्मी को बोलिए कि जब आप लोग रसोई में खाना बनाती हैं, किचन में खाना बनाए, तो अपना जो मुख है वो पूरब दिशा में रख लीजिए। यदि आप पूरब देखते हुए खाना बनाएंगी तो आपकी 90% समस्याओं का तो समाधान वैसे ही हो जाएगा।
सोते समय पापा का जो सिर है वो या तो पूर्व दिशा में रखिए और पांव जो है वो पश्चिम दिशा में रखिए। घर में नियमित रूप से नमक के पानी का पोछा लगाएं। एक समय सरसों के तेल का दीपक जला के 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ या तो पापा स्वयं करें या आप खुद करें। पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइए। आप 1 महीना मेरे अनुसार चल के देखिए, अगर आपकी रुकावटें दूर नहीं होती तो आप मुझे कहिएगा। मैंने बहुत सरल से उपाय आपको बताए, 7 बार हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करना है। आप ये करके देखिए, निश्चित तौर पर फायदा होगा। चलिए दोस्तों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मकर कुंभ मीन राशि वाले जातक आज क्या करें और क्या ना करें अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज उन कामों को निपटाने की कोशिश कीजिएगा जिन्हें आप काफी लंबे समय से टालते आ रहे हैं। आने वाले समय में आपके करियर में कुछ बदलाव संभव है। आज के दिन की सफलता के लिए बुजुर्गों का दिल नहीं दुखाने के संकल्प के साथ दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, सकारात्मक सोच से आज का दिन आप अच्छा बना सकते हैं। निश्चित तौर पे लक फैक्टर इज विथ यू टुडे। आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी जी का सेवन करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। अंतिम जो राशि वह मीन राशि। आज आपकी किस्मत साथ निभाने वाली रहेगी। भाग्य दे के संकेत मिल रहे हैं, कोई अच्छी खबर मिलने के भी योग बन रहे हैं। जो प्रतिकूल परिस्थितियां थी वो भी आज खत्म होने लगेंगी। आज के दिन की सफलता के लिए बैल को पालक अवश्य खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो दोस्तों, तो राशियों की बात हुई, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का गुडलक टिप क्या कहता है आप सभी के लिए। दोस्तों, हमारे घर में मिरर यानी शीशे का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। छोटी जगह को बड़ा दिखाने का ये सबसे अच्छा जरिया माना जाता है। और अगर घर में मिरर को, ग्लास को, शीशे को सही तरीके से यूज़ किया जाए तो ये जो मिरर है, ये जो ग्लास है, ये आपके घर में सुख समृद्धि भी लाने का काम करता है। हालांकि एक सच ये भी है कि अगर इन्हें ठीक तरीके से और सही जगह पर यूज़ नहीं किया जाए तो इसका असर अच्छे से भी ज़्यादा बुरा हो सकता है। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ, घर के अंदर मिरर, शीशा, ग्लास के कुछ ज़रूरी रख रखाव पर, ताकि आपके घर और आपकी ज़िंदगी में सुख समृद्धि आ सके। नोट करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। बेडरूम की बात करते हैं, आइडियली तो बेडरूम में शीशा नहीं होना चाहिए, लेकिन पर्सनल ड्रेसिंग स्पेस के चलते हमें उसे अपने रूम में रखना ही होता है। इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। एक बात हमेशा याद रखें कि ड्रेसिंग टेबल के शीशे में आपकी बेड की परछाई नहीं दिखनी चाहिए। शीशे में बेड का रिफ्लेक्शन दिखने से कपल्स की जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है। साथ ही शीशा लगाने के लिए, मिरर लगाने के लिए सबसे सही दीवार होती है नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन की। साउथ डायरेक्शन में इसे लगाने से बचिएगा। हाँ, साउथ वेस्ट में इसे लगाया जा सकता है। एक पतला स्टेयरकेस यानी सीढ़ियों का रास्ता घर में, एक पतला सा सीढ़ियों का रास्ता, जिसको हम कहते हैं कि कई तरह के घर के अंदर मिसफॉर्च्यून्स ला सकता है। अगर आपके घर में भी ऐसी कोई जगह है तो वहाँ की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको दूर करने के लिए सीढ़ियों के साथ ऊपर जाती हुई दीवार पर एक लंबा शीशा अवश्य लगाइए, मिरर लगाइए। आप सीढ़ियों की जो लैंडिंग स्पेस है वहाँ पर भी ये शीशा लगा सकते हैं। इससे छोटी और कमजोर जगहों पर भी अच्छी एनर्जी आती है। बाथरूम में भी एक फुल लेंथ मिरर लगाने से वहाँ से निकलने वाली जो नेगेटिव एनर्जीज है उसको वो जो मिरर है वो अब्सॉर्ब कर लेता है। वहाँ पर फुल लेंथ शीशा लगाना चाहिए और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उस मिरर में, उस शीशे में, उस ग्लास में टॉयलेट की जो सीट है वो नज़र नहीं आनी चाहिए। तो बहुत सिंपल से मैंने आज आपको मिरर से रिलेटेड कुछ पॉइंट समझाने का प्रयास किया है। आशा है आप सभी दर्शक इसका फ़ायदा उठाएंगे, लाभ उठाएंगे। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारा प्रोग्राम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।